आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे पीछे दे दे, पीछे पीछे से कर दो। हाँ वहाँ जाओ। भैया बताइए, आज आपने किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया? आपने बाल भी कटाए हैं, मुंडन भी कराया, क्या है मामला? मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्ताव रखा था वो समाप्त हो चुका है। इसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन और मुंडन का कार्यक्रम रखा है। अच्छा, आपने जो मुंडन कराया, क्या क्या सरकार के विरोध में करवाया? हाँ, सरकार के विरोध में करवाया मैंने मुंडन, और बहुत ही शर्मनाक बात है ये। ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया है। क्या आपके मुंडन कराने से आरक्षण वापस मिल जाएगा क्या? वो मिले या नहीं मिले, पर मैं आगे भी लड़ाई करता रहूँगा, और भोपाल की पद यात्रा पर हुआ तो वो भी जाऊँगा मैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो 27% आरक्षण में अपने कैंडिडेट उतारेगी, क्या कहना है इसमें? अपना संतुष्ट है आप? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण करवाया, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और उन्हीं के कार्य पर हम कार्य करेंगे। आपका नाम बता दें? विजय सिंह चौहान मोलू, प्रदेश सह सचिव पिछड़ा वर्ग कांग्रेस। भैया बताइए, आज जो है आपने यहाँ पर आंदोलन धरना प्रदर्शन भी कराया है, आपके एक साथी ने मुंडन भी कराया है, क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? शिवराज सिंह की सरकार नौटंकी कर रही है। ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का एक गुप्त एजेंडा आरएसएस और भाजपा का कई दिनों से चल रहा है। पहला प्रथम वार ओबीसी वर्ग पे किया गया है, अब अगली बारी एससी एसटी वालों की है, ये तय मान के चलना चाहिए। इस तरीके का षड्यंत्र करके, गुमराह करके, जिस तरीके का वातावरण पूरे मध्य से बनाया जा रहा है, 5 महीने तक रिट पिटिशन वहाँ रही, आपने जवाब क्यों नहीं दिया कोर्ट में? कोर्ट ने जब सख्ती बरती तो एक दिन में उन्होंने जवाब दे दिया, वो भी अधूरा जवाब दे दिया। जब ट्रिपल टेस्ट कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी तो वो सारी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वन साइडेड निर्णय लेते हुए आदेश दिया है कि ओबीसी वर्ग को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेकर कि जहाँ 57% लोग 56-57% लोग जहाँ निवास करते हों, उनको आरक्षण कैसे नहीं दिया जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, क्या हम उससे अलग हटके हैं? देश के नेताओं को शर्म आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, दोहरी चाल चलते हैं। मोदी जी लाल किले से चिल्लाते हैं कि मैं ओबीसी को 70% आरक्षण दूंगा, एक तरफ उन्हीं के राज में इस तरह की व्यवस्था हो रही है। तत्काल अध्यादेश लाया जाना चाहिए, उसके बिना चुनाव सम्पन्न नहीं कराया जाना चाहिए। कमलनाथ जी ने जो है 27% आरक्षण देने की बात कही है, निश्चित रूप से पार्टी में बैठ के कल चर्चा हुई है, वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है कि अगर भाजपा ने इस तरह का षड्यंत्र का कुछ रचने की कोशिश की कुछ चक्र को, तो हम अपनी पार्टी के अंदर 27% का आरक्षण निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। नेताओं ने आदेश किया है कि देवास नगर निगम में भी 27% का आरक्षण हम लागू करेंगे, पार्टी में ओबीसी वर्ग को टिकट देंगे। भैया बीजेपी ने घोषणा की वो भी 27%, बीजेपी की तो मजबूरी है, बीजेपी से तो ना खाने खाते बन रही, ना निकलते बन रही, ना थूकते बन रही, उनको तो हमारे पीछे चलना ही पड़ेगा। सबसे पहले कमलनाथ जी ने घोषणा करी तो उनको लगा कि ओबीसी वर्ग आंदोलित न हो जाए, तो भाजपा के लोग भी यही करने लगे। अरे इतने बड़े अगर 30 मार्का हो तो तत्काल अध्यादेश लाइए, दूसरे कामों के लिए अध्यादेश ला सकते हो,
राष्ट्रपति आपका, राज्यपाल आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, फिर क्या देरी है? आज ही अभी अध्यादेश जारी क्यों नहीं करते? विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता विधानसभा का? कांग्रेस प्रतिबद्ध है ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए। कांग्रेस ने जो वचन पत्र में पहले भी कहा है और आज भी कह रहा है, हम अपनी बात पे अड़िग हैं, ओबीसी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी में है। भैया आज ऐसा क्या हुआ कि काफी कार्यकर्ता को मुंडन करवाना पड़ा आरक्षण को लेकर? आज यह आक्रोश है ओबीसी वर्ग के, हमारे साथी यहाँ पर जिन्होंने मुंडन दिया है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो आक्रोशित है इस बात को लेकर कि आखिर हमारे साथ अन्याय।